खबर पर पहली नजर रखने के लिए न्यूज 89 न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद। अम्बाला शहर में आए हाई वोल्टेज करंट की सुनामी ने कई उपकरणों को झटका दे दिया। इस करंट की वजह से कई बिजली उपकरण जलकर खाक हो गए, जिस वजह से लोगों का गुस्सा बिजली निगम पर फूट पड़ा। काफी मशक्कत के बाद बिजली निगम ने इलाके की केबल बदल कर मामले को शांत किया। अम्बाला शहर के रामनगर में देर रात बिजली का हाई वोल्टेज करंट तबाही बनकर ऐसा दौड़ा कि कई घरों के बिजली उपकरणों को खाक कर दिया। स्थानीय लोग बताते हैं कि देर शाम लगभग 12 बजे अचानक बिजली कम ज्यादा होने लगी, जिसकी खबर बिजली निगम के अधिकारियों को दे दी गई, जिसके बाद लोगों द्वारा लिखित शिकायत के बाद बिजली बंद करवा दी गई। परंतु कुछ देर बाद ही पावर हाउस से बिजली दोबारा छोड़ी गई, जिससे कई घरों के बिजली उपकरण जलकर तबाह हो गए। स्थानीय लोगों ने रोष स्वरूप कहा कि इस लापरवाही की वजह से लोगों का काफी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई बिजली निगम से करवाई जाएगी। यदि फिर भी बात नहीं बनेगी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने से भी परहेज नहीं किया जाएगा। लोगों ने न्यूज 89 की टीम से बात करते हुए हाई वोल्टेज आने की वजह से जो नुकसान हुआ उसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कल रात लगभग 12 बजे हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है, तो हम इकट्ठे होकर सारे इलाका वासी वहाँ पर गए। कंप्लेंट सेंटर पे हमने सीरियल नंबर 16 पे कंप्लेंट लिखवाई कि इमीडिएटली यहाँ की लाइन काट दी जाए। हमारे कहने पे दो लाइन मैन आए ढिल्लो साहब जी से बातचीत के बाद, उन्होंने आके यहाँ लाइन काट दी। उसके बाद पता नहीं किसके कहने पर उन्होंने लाइट जलाई, लाइट चला दी, और उसके बाद भारी नुकसान है यहाँ पे सारे घरों में। लगभग पक्खे, ट्यूबलाइट, मोटरें, पानी की मोटरें, एसी और फ्रिज वगैरह काफी सभी घरों के लगभग सड़ चुके हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, सारी रात बहुत परेशानी नाल कट्टी है, कंप्लेंट भी लिखाई है, उसके बावजूद इतनी लाइट अप डाउन हो रही थी, साडा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ट्यूबा गई साड़िया, सारे बल्ब गए, फ्रिज साड़ा नुकसान हुआ, और बहुत ज्यादा एसी सी इन्ना ज्यादा, वो तो हूँ चलेगा पता लगेगा, वो भी है भी। रात को लाइट फ्लक्चुएट करती रही सारी रात, और नुकसान चार एसी जल गए हमारे, एक फ्रिज और साथ में दो एलईडी जल गई हैं। सारी रात परेशान रहे हैं, रात को गए शिकायत करवाने, बंद लाइट करवा के, उसके बावजूद भी उन्होंने ऑन लाइट कर दी और सारी गली परेशान है रात से। घंटों की मशक्कत के बाद बिजली ठीक हो गई, लेकिन लोग नुकसान से काफी खफा दिखे। वहीं बिजली विभाग के जेई का कहना है कि इलाके की इलेक्ट्रिक केबल खराब हो गई थी, जिसे बदलकर बिजली चला दी गई है। एक्चुअली रात को इनकी कंप्लेंट आई थी, इनकी केबल सड़ गई थी जी, और केबल सड़ने के कारण लाइट रात बंद हो गई थी, और जिसकी हमने केबल सुबह चेंज कर दी है, अब सप्लाई ठीक हो गई है। अम्बाला से राजीव कोचर की रिपोर्ट, न्यूज 89। हर खबर पर पहली नजर रखने के लिए न्यूज 89 न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।